देखिए कल से दो बीपीएल का मैच है और बीपीएल में जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब ये सारा मैच हारेंगे, ठीक है, अब ये सारा मैच हारेंगे और आपको हारते हुए मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो सारा हारेंगे क्योंकि टेबल बॉटम में ये आपको ऊपर जाते हुए मिल सकती है। और लास्ट की जो चार टीम थी ये तीनों थी, ठीक है, जो शुरू के चार में थी और सिलेक्ट टेबल टॉपर थी और बाकी सारी टीम टूर्नामेंट के पहले आउट हो गई थी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कोई नया देख रहा हो तो, और यही हो रहा है। खुलना 5 में 5 हार गई, जो मैंने पहले दिन ही आपको बोल दिया था स्टार्ट में जीतेंगे आखिरी में सब हारेंगे और इन्होंने भी लगभग अपना आखिरी के सारे मैच हारे हैं, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर देख लेते किसका किसका मैच है, खुलना और ढाका का और रंगपुर और चट्टोग्राम का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, तो खुलना का मैच है ढाका से और रंगपुर का मैच है चट्टोग्राम से, ठीक है, तो ये दोनों का मैच है। तो इसमें तो रंगपुर ही रहेगी टेबल टॉपर जिस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे में भी चौथे नंबर की टीम रुकनी चाहिए तो अब वो चट्टोग्राम को ही रुकना चाहिए, ऐसा मेरी थिंकिंग है। और खुलना का मैच आपका ढाका से, तो ढाका तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो खुलना ये मैच जीत भी जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से सिलेक्ट को अगला 3 मैच जीतना चाहिए और एटलीस्ट अगर 2 भी जीतते हैं तो इनका 5 हो पाएगा, है ना। और कहीं ना कहीं टेबल बॉटम में हो सकता है खुलना कल भी हार जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ढाका की टीम हो सकता है कल के दिन आपको विन करते हुए मिल जाए क्योंकि इनको रोकना पड़ेगा, यही मैं सोच रहा हूँ। और खुलना का भी 4 रहेगा तो बेटर रहेगा और सीजीसी अपना सारा हारेगी तो कहीं जाकर के टेबल फंसा रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन आपको ढाका विन करते हुए मिल जाए खुलना की टीम में, हालांकि पारनेल आ गए हैं, मैंने देखा एक आध प्लेयर इनके पास आ गए हैं, हालांकि ढाका की टीम भी अच्छी है। ऐसे तो मैं आपको इधर उधर की बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट अगर टीम बताना हो तो मैं आपको पहले डायरेक्ट टीम बता देता हूं। हमारी टीम कल के दिन टेबल बॉटम रहेगी, टोरंटो ढाका, ठीक है, और जो दूसरी टीम रहेगी ये टेबल टॉपर रहेगी, हमारी रंगपुर राइडर्स, ठीक है। हमारा ये टेबल बॉटम का ट्रिक याद रखिएगा, जीतेगी तो कलर देके आएगी, ये बात याद रखिएगा। उस हिसाब से अगर आप सेव करना चाहते हो तो यही करना, बट अगर आप मेरे हिसाब से रहोगे, सिंस मैं टेबल के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो टोरंटो ढाका को विन करना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे होगा सिर्फ यही कि हमारी जो चौथे नंबर की टीम है अभी तक एंड तक फंसी रहेगी, सीजीसी को हारना चाहिए। कब मैच ऐसे देख लेते हैं, पहला मैच अच्छा चलिए उन्हीं का है, बाद में सीजीसी का है, तो ठीक है यहाँ पे रुकेंगे तभी काम बनेगा। ये तीनों तो लास्ट ईयर भी गए थे, सारा ही मैच जीते थे, अभी इधर जा ही रहे हैं, यहाँ से रुकेगा तो ये 3 टीम में कोई एक टीम जाएगी, है ना, और ये 5 का 5 ही रह जाए, हो सकता है सारा ही हार रहे हैं, ठीक है। खुलना भी कल हार के इतना ही रुक जाए तो सिलेक्ट के पास चांस रहेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसी मेरी थिंकिंग, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो वीडियो बन कर सकते हो, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, फाइनल टीम की प्रेडिक्शन मैं कर देता हूँ 1 और 2, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में, तो पहले बात करते हैं ढाका की टीम में सबसे मेन प्रॉब्लम इनकी बैटिंग है, जो मैंने पहले दिन ही आपको बोला, इनके पास कोई बैट्समैन ही नहीं है, देखा जाए तो इतनी बेकार, लास्ट मैच में कम से कम 250 की पिच पे इन्होंने 186 रन खाली बनवाने दिया था, आखिरी मैच क्रॉस ने मारा पर वो विन नहीं करा पाया क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हालांकि इसमें वो चले गए हैं उस्मान कादिर, पर बैटिंग एक नंबर पूरा, मेरे को समझ में नहीं आता ये सब सारे प्लेयर अच्छा अच्छा उठा रहे हैं, आपके कोमिला विक्टोरियन शायद उसको उठा दिए थे ना, क्या नाम है इसका, केशव महाराज, तो ये लोग क्यों नहीं उठा पाते हैं, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, इनको समझ में नहीं आ रहा कि टीम किस हिसाब से अच्छी होती है, ये एकदम बकवास टीम है। और इनकी टीम में भी बात की जाए तो एलेक्स हेल्स आ गए हैं और शुरू के 3-4 प्लेयर अच्छे हैं, बाकी टीम पूरी एवरेज है। हाँ, वेन पार्नेल और लूक वुड को लिया गया है, मैच अच्छा ये लोग कर सकते हैं, पर मैंने आपको अपनी टीम बता दी है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो रंगपुर लगभग सारा ही मैच जीत रहे हैं, रीजा हेंड्रिक्स को उन्होंने उठा लिया, ठीक है, इमरान ताहिर को उठा लिया, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सारी जो टीमें हैं इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को उठा रही है तो जो बेकार टीम है वो क्या कर, ये क्या है, आप खुद देखो, मतलब जिसको क्रिकेट का समझ में आता होगा कोई है ही नहीं इसमें। देखा जाए तो इन्होंने उठाया भी है तो एक न्यूजीलैंड के प्लेयर को उठाया जिसको शायद कोई नहीं जानता, और जॉस ब्राउन को उठाया, ठीक है, जो अभी अभी आप बोल सकते हो वो हुआ है, ठीक है। बाकी तो टीम पूरी एवरेज है भाई, अगर 2-4 प्लेयर को मिला इन सब में से इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर मेहदी हसन ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं तो टूर्नामेंट अच्छा बनेगा, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो यही बात है, काफी वन साइडेड टूर्नामेंट है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हालांकि जान बुझ के स्टार्ट के सारे मैच अच्छा इन्होंने कराया है, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगा, हमारी टीम रंगपुरी रहेगी, तो एक छोटा सा वीडियो, ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं है, मैच फंस सकता है, इन्हीं तीनों टीम के बीच में कोई एक टीम हो सकता है क्वालिफाई करे, आखिरी में जाके ये आपको पता चलेगा। मैं एक बार चलिए देख लेता हूँ आखिरी मैच किसका है, सिलेट का है कि किसका है, चलिए सिंस एक छोटा सा वीडियो है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो वीडियो बना सकते हो। देखिए सिलेट का मैच खुलना से है आखिरी मैच, मतलब ये जो टूर्नामेंट का आखिरी मैच है तो इन दोनों का आखिरी मैच है ना। और हमारा एक चट्टोग्राम का अगर हम लोग मैच देखें तो उनका एक मैच खुलना से पड़ रहा है कल के बाद, ठीक है, और एक मैच टोरंटो ढाका से पड़ रहा है। तो हो सकता है ढाका ऐसे में भी आपको याद हो कि जो आखिरी नंबर की टीम होती है लास्ट में जयपुर जरूर देती है, ये बात भी आप नोटिस कर सकते हो, ये जीतने के जैसे दिल्ली ने आपने देखा था, ठीक है, उधर शायद मेलबर्न रेनेगेड्स या कौन सी टीम थी, स्टार्स की टीम थी वुमेंस में, वो आखिरी के मैच आपको अच्छा दे सकते हैं और हो सकता है ये दोनों को ही हरा दे, ठीक है। और सिलहट का मैच तो आपका देखा जाए तो नेक्स्ट मैच कोमिला से है जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है उनको, एक रंगपुर से है तो टेबल की टॉपर टीम से है सिलहट का, इनकी हालत खराब हो जाएगी तो इनको रुकना पड़ेगा, ताकि आखिरी मैच जो इन दोनों का है हो सकता है इन दोनों में कोई टीम डिसाइड करे कि कौन सी टीम टॉप 4 में रहेगी, ऐसा हो सकता है ना। तो यही सब सोच करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है सिंस लास्ट ईयर की चैंपियन है, तो बाकी देखा जाएगा, अगर वो सिचुएशन फंसना है तो फिर खुलना को हारना पड़ेगा, सीजीसी को हारना पड़ेगा अपना, और ढाका को दोनों मैच लगभग जीतना पड़ेगा। तो एक हिसाब से देखिए जीत हार से कोई मतलब नहीं, आखिरी में मैं वही बोल देता हूँ, यहाँ मैं उतना डिटेल में नहीं बात कर सकता, वरना हर एक मैच का आपको वो बता सकूँ मैंने क्या बोला था क्या हुआ, ठीक है। चलिए अभी से अगर बात की जाए तो कल के दिन में हमने वाका बोला था पास हुई, विक्टोरिया बोला था पास हुई, जितनी टीम बोली थी सब पास हुई, नहीं तो आपको कलरफुल तरीके से आप बोल सकते हो अफगानिस्तान भी देखा जाए तो खुली ये थी और आ गई थी, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ कि आपका काम हो जाए, है ना। रात में जो गल्फ की हमारी टीम थी उसमें तो हालांकि मुंबई के सारे मेन प्लेयर्स अचानक से आ गए, परसों ही वेस्टइंडीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया और वहां से तुरंत ही आ गए सब दुबई में एक दिन के अंदर अंदर,
तो उनका भी अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक का गेम बना था, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। बाकी तो मैं उन सब टूर्नामेंट में यही इशू होता है, हालांकि मुंबई टेबल टॉपर थी पर निकोलस पुरन वगैरह खेल नहीं रहे थे, अभी आ गए तो इनको हारना मुश्किल होगा। तो चलिए यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मैंने आपको डिटेल बता दिया है, ठीक है। तो कल का दिन आपको कंटिन्यूस इनके डेड आठ लास्ट के आठ में आठ मैच डेड हुए, याद रखिएगा, एट आउट ऑफ एट मैच डेड हुए, और एट आउट ऑफ एट मैच मैंने पहले आपको बोल दिया था सब डेड होने वाला है, क्योंकि टूर्नामेंट अच्छा बन गया था और आठ बाय आठ मैंने अपने वहाँ पर भी स्किप कराया, क्योंकि मेरे को मालूम है सब मैच डेड होना है। अब हो सकता है मैच अच्छा बने, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, कल के दिन से हो सकता है मैच अच्छा बने। अभी जो पिच पे मैच हो रहा है, अभी हर मैच में 230-220 ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपको कल से लो स्कोरिंग देखने मिल जाए इसी पिच पे, वरना मैच अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो कल का दिन आपको अच्छा मैच मिल सकता है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बीपीएल के कल के दोनों मैच अच्छे, एक मैच तो पक्का बहुत मोटा आपको मिल सकता है, तो थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ।